वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे और मुझे दो रोज़ देखते होंगे मैडी वीडियोस नहीं अपलोड कर रही है। उसकी वजह ये हमारे घर का जो हाल हुआ हुआ है ना वो है, और ये हाल इस वजह से हुआ हुआ है क्योंकि आगे हमारी फैमिली में एक बहुत ही नज़दीकी शादी ते व्याह किथे ते गा किथे ते दिन जो तैयारी होगी वो हम रोज़ाना शेयर किया करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है प्रिपरेशन का, पता नहीं शादी पे कितना मज़ा आने वाला है। अल्लाह पाक सब कुछ खैर खैरियत से करे और हमारी प्यारी सी बेटी की बहुत अच्छे से नसीब करे। अभी मैंने जो विंटर के कलेक्शन ली है ये मेरी वो है क्योंकि हमने रहने जाना है, इसलिए ये आहन के शूज़ हैं छोटू के। ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे, मेरे स्टाइलो पर ऑफ लगी थी तब, तो ये इसलिए इसका जो डिब्बा है उसकी ये हालत हो गई है। और मैंने बड़ा साइज़ मंगवाया था जो इसको इस साल पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या है कि आहन को जूते नहीं पहनने, उसको नंगे पाँव रहना है, तो अभी हमें कुछ दिन लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आहन जो है वो शूज़ पहन ले। ये भी कि एक शर्ट है जो हमने लिटिल जूनियर से ली है और ये इसके बड़े फंकी कलर हैं और जर्सी वाला स्टफ है इसका मज़ेदार सा, तो इसके साथ अभी पैंट शर्ट कुछ नहीं लिया है, वो अभी हम लेंगे। जो जो शॉपिंग होगी वो साथ साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। ज़्यादातर मैंने अपनी विंटर कलेक्शन लाइमलाइट से ली है, मैंने बहुत सर्च की इस दफ़ा, मुझे कोई भी डिज़ाइन अच्छी नहीं लगता। इसमें मैंने सेल्फ प्रिंट में ये लिया है, उसको स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा मैंने एक और ये ली है, टू पीस है, इसके साथ वूल की शॉल है और साथ में ये जो है ना इसकी शर्ट वो कॉटन में है, सीक्वेंस लगे हुए हैं। और पहले हम बहुत दिन शॉपिंग करने जाते रहे लेकिन हमें कुछ भी पसंद नहीं था आ रहा। ये हम लोगों ने चूँकि वहाँ रहने के लिए जाना है इसलिए हमने घर पहनने के लिए भी जूते लिए हैं। ये इसके बाबा के जूते हैं और ये न्यू आर्टिकल में है, बहुत ही ज़बरदस्त ये लोगोज़ के हैं। इसी तरह से मैंने परचेज़ की एक अपनी हील्स में, और मज़े की बात यह कि अभी तक मैंने अपनी वेडिंग वेयर के लिए ड्रेसेस नहीं लिए हैं, तो ये बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने परचेज़ कर ली। ये भी लोगोज़ की है, बहुत ही यूनिक सा आर्टिकल था ये और पहन के भी बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा जी, अब आ गई यहाँ पर मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन जो कि मैंने नॉर्मली वेयरिंग के लिए प्रिपेयर किया है, उसमें आ है ये मेरी शर्ट जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे तो ये मोटो को नहीं थी आ रही, तो फिर मैंने इसके साइड्स पर डाली हैं थोड़ी सी कलियाँ और यहाँ पर मैंने डोरी यूज़ की है जिसके साथ इसकी जो विड्थ है वो और ज़्यादा हो गई और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ऊपर मैंने लगाए हैं इसके टसल, वैसे मुझे दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि फिर मेरा शादी के ऊपर वो रोब नहीं रहेगा। और ये एक ड्रेस पीछे रह गया, हाँ ये भी मैंने परचेज किया था, ये भी मेरी अभी विंटर में जो हम लोगों ने घर पे पहने हैं यानी कि शादी के कपड़े चेंज करके जो घर पे रहने के लिए पहने हैं ये उनके लिए मैं रेडी करूंगी और जब मैं स्टिच कर लूंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम लोग जो है डेली बेस पे जो भी शॉपिंग करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आप लोग अगर लाइक करोगे मेरे इस व्लॉग को, क्योंकि कुछ दिन आपको मेरी क्रिएटिविटी से हट के मेरे व्लॉग के साथ एंजॉय करना पड़ेगा, तो मस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लग रहा है और आप इसको और देखना चाहते हैं या नहीं। सो माई डियर यूट्यूब फैमिली, हम लोग कुछ दिन के लिए अपनी क्रिएटिविटीज़ को, अपनी स्टिचिंग को और कुकिंग को और डिकोर को करेंगे गुड बाय और इन्जॉय करेंगे ये वेडिंग की प्रिपरेशन जिसमें आप लोग मेरे साथ फुल फन करोगे। इसके साथ साथ क्या करना नहीं भूलना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर।